पीड़िता को गुरुवार की रात सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। एयरलिफ्ट करा के उसे दिल्ली लाया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो पीड़िता की हालत और गंभीर हो गई है। 90% तक जल चुकी पीड़िता के दो अंदरूनी अंग भी आग की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते पीड़िता की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आज डॉक्टर पीड़िता के दो छोटे ऑपरेशन करने का निर्णय भी ले सकते हैं। सफदरगंज अस्पताल के सूत्रों की माने तो गुरुवार रात से ही उन्नाव रे पीड़िता कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में है। जांच के दौरान सामने आया कि जलने के दौरान पीड़िता के शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान कमर के निचले हिस्से को पहुंचा है। यहां तक कि जलने के कारण पीड़िता के दो अंदरूनी अंग काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके चलते पीड़िता की परेशानी और बढ़ती ही जा रही है। जलने के बाद शरीर में फैलने और संक्रमण पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। संक्रमण ना फैले इसके लिए डॉक्टर हर संभव कदम उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर एक बार जलने के बाद शरीर में संक्रमण फैल गया तो फिर उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि बहुत सारे केस में जले हुए मरीज की मौत इसी संक्रमण के चलते हो जाती है। कल शाम को ही पीड़िता को लखनऊ एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली पालम एयरपोर्ट लाया गया था, जहां से उसे ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा देते हुए 13 किलोमीटर के सफर को 18 मिनट में पूरा कर अस्पताल लाया गया। गौरतलब रहे कि रेप पीड़िता ने जिन युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उन्हीं युवकों पर उसे जिंदा जलाने का आरोप भी लगाया है। जिंदा जलाए जाने के बाद बुरी तरह से झुलसी उन्नाव गैंग पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इसी क्रम में गुरुवार शाम लखनऊ मंडल के कमिश्नर मुकेश मेश्राम उन्नाव की बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक नई एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विवेचना अधिकारी अपनी विवेचना अलग करेंगे। मेश्राम ने बताया कि एएसपी की अध्यक्षता में अलग से एसआईटी की टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि एएसपी सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं कमिश्नर ने दावा करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े सभी शख्स से एसआईटी जुटाएगी। आपको बता दें कि अब तक युवती को जिंदा जलाने के मामले में पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि जमानत पर छूटकर आए दो आरोपियों ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में पीड़िता 90% जल चुकी है। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज करने के बाद उसे सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता को एयरलिफ्ट से सफदरगंज अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के केस में विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। इसमें पीड़िता के केस दर्ज कराने की तारीख से अब तक की कार्यवाही मांगी गई है। साथ ही पूछा गया है कि ये भी बताएं कि अगर साबित हुआ है तो रेप पीड़िता को सुरक्षा नहीं देने के लिए किन अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसके अलावा महिला आयोग ने डीजीपी से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ पिछले 3 साल में हुए जघन्य अपराधों और उनमें दी गई जमानतों की रिपोर्ट भी तलब की है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजे। घटना बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर गाँव की है। कुछ दिन पहले ही युवती के साथ रेप हुआ था। इस मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गुरुवार को युवती इसी मामले की पैरवी के लिए रायबरेली जा रही थी। सुबह 4 बजे के करीब गांव के बाहर खेत में दोनों आरोपी व उसके 3 साथियों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इसकी सूचना मिलते ही गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़िता को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जिंदा जलाए जाने के बाद पूरी तरह झुलसी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। 90% से भी ज्यादा जल चुकी पीड़िता की हालात बेहद नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया और सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट से सफदरगंज अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पीड़िता को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस ने दिल्ली एयरपोर्ट से सफदरगंज के बीच 13 किलोमीटर की दूरी महज 18 मिनट में पूरी कर पीड़िता को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया है। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने 90% जल चुकी पीड़िता को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है, जिसके बाद उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से सफदरगंज अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महज 2 दिन पहले जमानत पर छूटे गैंग रेप के आरोपियों ने गुरुवार तड़के पीड़ित लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की की हालत बेहद नाजुक है, वह 90% तक जल चुकी है और उसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। घटना के बाबत लड़की के पिता ने बताया कि जिसे बेटा समझकर घर आने की इजाजत दी थी, उसी ने बेटे के साथ दुष्कर्म किया और फिर वीडियो बना डाले।
बाद में इन वीडियो के दम पर बेटी के साथ जबरदस्ती करता रहा। यह पूरा मामला साल भर पहले शिवम के घर आने जाने से शुरू हुआ था। उसने मेरी बेटी को पहले फंसाया, फिर एक दिन रायबरेली ले गया। वहां उसने मेरी बेटी से दुष्कर्म किया और मोबाइल से वीडियो बना लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। उसने बेटी को मानसिक यातना दी। शिवम मेरे गांव का ही बच्चा है, भरोसे में हमने उसे अपने घर आने जाने दिया। शिवम एक दिन बेटी को लेकर भाग गया और 2 महीने तक रायबरेली में रहा। इसके बाद बेटी को घर छोड़ गया। जब हम लोगों को सारी बात पता चली तो हमने शादी के लिए कहा, लेकिन मामला सुलझाने के बजाय वे लोग हमें धमकी देने लगे। शिवम बेटी पर नजर रखता था, घर के अकेले बाहर भी नहीं आने जाने देता था, मारपीट करता था और जबरदस्ती भी कई बार जान से मारने की धमकी तक दी। तंग आकर मेरी बेटी अपनी बुआ के घर रायबरेली चली गई। शिवम को जब इस बारे में पता चला तो वह वहां भी पहुंच गया। उसने मेरी बेटी को शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया, फिर अपने साथियों के साथ असले के दम पर गैंगरेप किया और भाग गया। इस दिन के बाद बिटिया टूट गई थी। उसने सारी बात बुआ को बताई। हमने रायबरेली थाने में शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई। SP के पास डाक से शिकायत दर्ज करवाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत भागदौड़ की। उसके बाद 5 मार्च 2018 को FIR दर्ज करवाई गई। गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 आरोपी शिवम और शुभम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे दोनों जेल में थे। 3 दिसंबर को जब वे जमानत पर बाहर आए तो पीड़िता को जला दिया। इस मामले में पुलिस ने शिवम और उसके पिता राम किशोर, शुभम हरिशंकर और उमेश बाजपेयी को गिरफ्तार किया है। वहां से दौड़ती हुई चली आ रही थी और उसने कहा बचाओ बचाओ, वो जली हुई थी। हम डर गए कि ये चुड़ैल है, तो हम भागे पीछे पीछे, डंडा उठाया, कुल्हाड़ी कुड़ी की आवाज लिया, कुल्हाड़ी लाओ। 1 किलोमीटर यहाँ से वो है पैदल आई। यहाँ से फोन किया गया 100 नंबर को। 100 नंबर में डायल किया गया, डायल करके बात हुई। उसके फोन उसके मुंह के सामने लगाया गया, उसने बात खुद किया और करने के बाद फिर यहाँ से चली गई। जब हमारे हस्बैंड जी उठे हैं तो भैंस आज का मतलब चारा डालने के लिए निकले थे, तो उतनी समय वो लड़की सड़क पर आ रही थी, मतलब 4:40 हो गया। किस तरीके से आप लोगों ने उसकी मदद की? हम तो डरे हुए थे, मतलब डर के मारे हमारा अभी भी मतलब चेहरा खूब कांप रहा है। तो हम अंदर थे तो जाते रहे, यहाँ से बिल्कुल अकेले ही गई है वो लड़की। एक पर्स था, एक मोबाइल छोटा सा। JBD Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।